हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे ही होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, अगर हमें कोई भी ओबीसी या एससी का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो वो हम एक मिनट में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है अपने क्रोम में। क्रोम में जाके आपको टाइप करना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने। उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा। आपको फर्स्ट नंबर वाली जो साइट है revenue.delhi.gov.in, आप इसको इस पर क्लिक करेंगे। इसको ओपन करते ही देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से साइट ओपन होगी। इसमें आपको सबसे साइड वाले ऑप्शंस पे जाना है, जिसमें आप देख सकते हैं एक डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है सामने। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहे हैं आपको। ये फर्स्ट नंबर से लेके 36 तक है, यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म हैं। आपको एससी और ओबीसी के फॉर्म के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे ही आपको ये फॉर्म्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर जैसा कि एससी का फॉर्म है, तो आप एससी के लिए क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं आप, यहाँ सामने लिखा हुआ है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरह से ओपन होगा। आपको ओपन पे क्लिक करना है, फिर ये डाउनलोड करना है। देख सकते हैं ये काफ़ी इजीली डाउनलोड हो गया है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। आप चाहें इसका प्रिंट निकाल लें या किसी को मेल करना है, आप इजीली कर सकते हैं। ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ओबीसी हो या एससी हो, कोई भी फॉर्म अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियोस, इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।